अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कद्दूकश आलू के कटलेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है। आप बच्चों को बना के दें घर में, इसे ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी और स्पाइसी जमी है। सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और इनको धोके इनका पानी जो है वो मैंने बिल्कुल खुश कर लिया है। इनको पानी थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए अंदर। नमक जो है वो मैंने 1/2 चम्मच लिया है। काली मिर्च जो है पाउडर वो मैंने 1/2 चम्मच लिया है। अंडा मैं 1 अदद लूंगी और मैं इन सब चीजों को मिक्स करूंगी। सबसे पहले मैं काली मिर्च डालूंगी, इसके बाद मैं नमक शामिल कर दूंगी इसमें और इसके बाद अंडा। हाथ की मदद से मैं इन सब चीजों को मिक्स करूंगी। इंग्रेडिएंट जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। से कटलेट्स जो होते हैं यानी कि आलू के कबाब, हम इस तरह इसे किस तरह की भी शेप दे सकते हैं। मैं आलू के कबाब की शेप दूंगी इसे, इस तरह से इसे शेप देंगे हम। इसकी इस तरह से शेप बन जाएगी। कि मैंने कुछ कटलेट्स जो है मैं बना लिए हैं, आप इस ट्रे में देख सकते हैं। अंडा और नमक डालने के बाद इन्होंने पानी छोड़ा था, इसलिए मैंने बोल से इसे इधर निकाल लिया है और आपने अच्छे तरीके से इनका पानी निचोड़ेंगे, फिर ये जो है वो एक जान हो जाएंगे। अब ये जो से मैंने बनाए हैं, मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई मैंने जो सा ऑयल गर्म कर लिया है पहले से ही, मैं फिर शाल फ्राई करूंगी इसे, आहिस्ता आहिस्ता से डालती जाऊंगी। आन जो उनकी आपने वो मीडियम रखनी है। आपने इसी तरह से सब डालते जाना है। 4 अदद मैंने डाल दी है, मैंने इसे शाल फ्राई करूंगी। देख सकते हैं इसका इस तरह से कलर आ जाएगा। अब ये तैयार है, मैं इसी तरह से बाकी सब भी निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कटलेट्स जो है आलू के, वो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तैयार है। ये बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही अच्छे, आप देख सकते हैं इनको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल तैयबा इन द किचन। इसको जरूर बनाना ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।